नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात है हमीरपुर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। जिला हमीरपुर का एक बड़ा कस्बा है राठ। मूलतः मध्य प्रदेश के गाँव सरमिणी के रहने वाले मूलचंद अनुरागी का परिवार राठ के मोहल्ला भटियानी में रहता था। परिवार में पत्नी सरस्वती के अलावा दो बेटे वीरेंद्र व अनिल थे। गांव में मूलचंद का पुश्तैनी मकान व जमीन थी। वह खुद गांव में रहकर घर जमीन की देखरेख करता था। पत्नी बच्चों से मिलने वो राठ आता जाता रहता था। मूलचंद की पत्नी सरस्वती राठ स्थित नवोदय विद्यालय में रसोईया थी। वो छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए खाना बनाती थी। सरस्वती का बड़ा बेटा वीरेंद्र मिठाई की एक दुकान में काम करता था। वीरेंद्र पतासा बनाने का उम्दा कारीगर था, जबकि छोटा बेटा अनिल राठ की ही एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। चूंकि सरस्वती और उसके दोनों बेटे कमाते थे, सो घर की आर्थिक स्थिति ठीक थी। सरस्वती बेटों के साथ खुशहाल तो थी, लेकिन घर में बहू की कमी थी। वो वीरेंद्र की शादी को लड़ाई रहती थी। वीरेंद्र अनुरागी जिस दुकान में काम करता था, उसी में अशोक नाम का एक युवक काम करता था। अशोक राठ कस्बे से आधा किलोमीटर दूर स्थित सैदपुर गाँव का रहने वाला था। अशोक की छोटी बहन वर्षा अक्सर उसे लंच देने आया करती थी। जयराम की दो ही संतानें थी, अशोक और वर्षा। कुछ साल पहले जयराम की मृत्यु हो चुकी थी। मां चंदा देवी ने उन दोनों को तकलीफें सहकर बड़ा किया था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अशोक और वर्षा ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके थे। अशोक दसवीं कक्षा छोड़कर नौकरी करने लगा था, जबकि वर्षा दसवीं कक्षा पास करने के बाद माँ के घरेलू कामों में हाथ बटाने लगी थी। 20 वर्षीय वर्षा गोरी चिट्टी छरहरी काया की युवती थी। एक दिन वर्षा अपने भाई अशोक को लंच देने के लिए दुकान पर आई। वीरेंद्र की नजरें वर्षा की नजरों से मिली तो वो उनमें मानो डूब सा गया। कुछ पलों के लिए आंखों से आंखें मिली थी, लेकिन उन्हीं लम्हों में वीरेंद्र वर्षा की आंखों पर फिदा हो गया। उस दिन के बाद वीरेंद्र को वर्षा के आने का इंतजार रहने लगा। हालांकि अशोक से बोलचाल पहले से थी, लेकिन वर्षा तक पहुंच बनाने के लिए उसने उससे संबंध प्रगट बना लिए। इन्हीं संबंधों की आड़ में उसने वर्षा से परिचय भी कर लिया। वर्षा से परिचय हुआ तो बेईमान कर देने वाली उसकी नजरें वीरेंद्र का दिल और तड़पाने लगी। अब वीरेंद्र को इंतजार था उस पल का, जब वर्षा अकेले में मिले और वो उससे अपने दिल की बात कह सके। किस्मत ने एक रोज उसे ये मौका भी मुहैया करा दिया। उस रोज वर्षा भाई को खाना खिलाकर जाने लगी तो ताक में बैठा वीरेंद्र उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तेज कदमों से वो वर्षा के बराबर में पहुंचा। वर्षा ने सिर घुमाकर वीरेंद्र को देखा और मुस्कुराने लगी। वीरेंद्र बोला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। वर्षा के कदम पहले की तरह बढ़ते रहे। बोलो, मुझे जो कहना है सड़क चलते नहीं कह सकता। सहसा वीरेंद्र की नजर कुछ दूर स्थित पार्क पर पड़ी। चलो वहां पार्क में बैठते हैं, सुकून से बात हो जाएगी। चलो, वर्षा मुस्कुराई, तुम्हारी बात सुन लेती हूँ। वे दोनों पार्क में जाकर बैठ गए। उसके बाद वर्षा वीरेंद्र से मुखातिब हुई। अब बोलो क्या कहना है। वीरेंद्र के पास भूमिका बनाने का समय नहीं था, इसलिए उसने सीधे तौर पर अपनी बात कह दी। तुम्हारी आंखें बहुत हसीन है। वर्षा की मुस्कुराहट गाढ़ी हो गई। और मैं, जिसकी आंखें इतनी हसीन है, कहने की जरूरत नहीं कि वो कितनी हसीन होगी। वर्षा ने उसे गहरी नजरों से देखा। तुम मेरे हुस्न की तारीफ करने के लिए यहाँ लेकर आए हो या कुछ और कहना है। वीरेंद्र ने महसूस किया कि वर्षा प्यार का सिलसिला शुरू करने के लिए उकसा रही है, इसलिए उसके दिल की बात जुबा से बयां हो गई। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ देर तक वर्षा उसकी आंखों में देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, प्यार ही तो ऐसी चीज है जिस पर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता, ना इसे दबाया या छिपाया जा सकता है। वीरेंद्र समझ गया कि वर्षा कहना चाहती है कि वो उसका प्यार कबूल तो कर सकती है, मगर शर्त यह है कि उससे शादी करनी होगी। उस वक्त वीरेंद्र के सिर पर वर्षा को पाने का जुनून था, सो उसने कह दिया, मैं टाइम पास करने के लिए तुम्हारी तरफ प्यार का हाथ नहीं बढ़ा रहा हूँ, बल्कि संजीदा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दरअसल वर्षा अपनी माँ की मजबूरियाँ जानती थी। चंदा देवी ने बहुत तकलीफें उठाकर पति का इलाज कराया था। इलाज में उस पर जो कर चढ़ा था, उसकी भरपाई होने में बरसों लग जाने थे। परिवार में ऐसा कोई ना था जो युवा हो चुकी वर्षा के भविष्य के बारे में सोचता। माँ बेटी को दुल्हन बनाकर विदा कर पाने की हैसियत में नहीं थी। छोटा भाई अशोक खुद अपनी जिम्मेदारियों से जूझ रहा था, इसलिए वर्षा को अपने भविष्य का निर्णय स्वयं ही करना था। वर्षा 20 साल की भरी पूरी युवती थी। उसके मन में किसी का प्यार पाने और स्वयं भी उसे टूटकर चाहने की हसरत थी। मन में इच्छा थी कि कोई उसे चाहने वाला मिल जाए तो वो जीवन भर के लिए उसका हाथ थाम ले। इस तरह उसका भी जीवन संवर जाएगा
और वो भी अपनी गृहस्थी पति व बच्चों में रमी रहेगी। इसलिए वर्षा ने उसका प्यार कबूल कर लिया। उस दिन से वर्षा और वीरेंद्र का रोमांस शुरू हो गया। वर्षा के प्रेम की जानकारी उसकी माँ चंदा देवी और भाई अशोक को भी हो गई थी। चूंकि वर्षा और वीरेंद्र शादी करना चाहते थे, सो उन दोनों ने उनके प्यार पर एतराज नहीं किया। एक प्रकार से वर्षा को माँ और भाई का मुख समर्थन मिल गया था। दूसरी ओर वर्षा वीरेंद्र के जितना करीब आ रही थी, उतना ही उसे लग रहा था कि अभी वो वीरेंद्र को ठीक से समझ नहीं पाई। अभी उसे और समझना बाकी है। इसलिए वीरेंद्र को समझने के लिए वर्षा ने उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मन बना लिया। उसने सोचा वीरेंद्र उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप साबित हुआ तो वो उससे शादी कर लेगी। कसौटी पर खरा ना उतरा तो दोनों अपने रास्ते अलग कर लेंगे। वर्षा को लिव इन रिलेशनशिप में भी दोहरा लाभ नजर आ रहा था। पहला लाभ ये है कि वीरेंद्र को ठीक से समझ लेगी। दूसरा लाभ ये कि अपनी जवानी को घुन नहीं लगाना पड़ेगा। वीरेंद्र उसकी देह का सुख भोगेगा तो वो भी वीरेंद्र के जिस्म से आनंद पाएगी। एक रोज जब वर्षा और वीरेंद्र का आमना सामना हुआ और बातचीत का सिलसिला जुड़ा तो वीरेंद्र ने जल्दी शादी करने का प्रस्ताव रखा। इस पर वर्षा बोली, मुझे शादी की जल्दी नहीं है, बल्कि हमें अभी एक दूसरे को समझने की जरूरत है। 6 महीने से हमारा रोमांस चल रहा है। वीरेंद्र के शब्दों में हैरानी थी, और अब तक तुम मुझे समझ नहीं पाई? समझी तो हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना जीवन भर साथ रहने के लिए समझना चाहिए। पूरी तरह समझने में कितना वक्त लगेगा? वीरेंद्र ने उदास मन से पूछा। कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहने के बाद वर्षा ने जवाब दिया, शायद 6 महीने और इस दौरान मेरा क्या होगा? वीरेंद्र ने पूछा। वर्षा के होठों पर मुस्कान आई, तुम्हारे साथ मैं भी रहूंगी। वीरेंद्र के सिर पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। बिन ब्याहे मेरे साथ रहोगी? इसमें बुरा क्या है? वर्षा मुस्कुराई। नए जमाने के साथ लोगों की सोच और जिंदगी के तरीके भी बदलते रहते हैं। शहरों कस्बों में बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हम भी रह लेंगे। यानी कि शादी किए बिना ही तुम घर रहोगी? वर्षा ने वीरेंद्र की ही टोन में जवाब दिया, बेशक। चूंकि वीरेंद्र वर्षा का दीवाना था, इसलिए जब वर्षा ने वीरेंद्र के सामने लिव इन रिलेशनशिप का प्रस्ताव रखा तो वो फौरन राजी हो गया। इधर वीरेंद्र ने अपने व वर्षा के प्रेम संबंधों की जानकारी माँ को दी तो सरस्वती भड़क उठी। उसने वीरेंद्र से साफ कह दिया कि वो बिन ब्याही लड़की को घर में नहीं रख सकती। उसने कोई बवाल कर दिया तो हम सब फंस जाएंगे, बदनामी भी होगी। इस पर वीरेंद्र ने माँ को समझाया कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, 6 महीने बीतते ही शादी कर लेंगे। वर्षा के घर वालों को भी साथ रहने में कोई एतराज नहीं है। इस बीच हम लोग वर्षा को परख भी लेंगे कि वो घर की बहू बनने लायक है भी या नहीं। सरस्वती देवी का मन तो नहीं था, लेकिन बेटे के समझाने पर वो राजी हो गई। इसके बाद वीरेंद्र ने 5 जून 2020 को वर्षा को राट स्थित शीतला माता मंदिर बुला लिया। यहाँ उसने उसकी मांग में सिंदूर लगाया, फिर उसे अपने घर ले आया। सरस्वती ने आधे अधूरे मन से बिन ब्याही दुल्हन का स्वागत किया और घर में पनाह दे दी। वर्षा महीने भर तो मर्यादा में रही, उसके बाद रंग दिखाने लगी। वो ना तो घर का काम करती और ना ही खाना बनाती। सरस्वती देवी उससे कुछ कहती तो उसे खरी खोटी सुना देती। देवर अनिल के साथ भी वो दुर्व्यवहार करती। पति वीरेंद्र को भी उसने उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। वर्षा मनमानी करने लगी तो घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। कलह का पहला कारण ये था कि वर्षा को संयुक्त परिवार पसंद नहीं था, वो सास देवर के साथ नहीं रहना चाहती थी। कलह का दूसरा कारण उसका बेबाक स्वभाव था, जबकि सरस्वती देवी चाहती थी कि वर्षा मर्यादा में रहे। उधर वर्षा को घर की चारदीवारी कतई पसंद न थी, वो बेबाक जीवन चाहती थी। तीसरा अहम कारण पति का वेतन। वर्षा चाहती थी कि वीरेंद्र जो कमाए वो उसके हाथ पर रखे, जबकि वीरेंद्र अपना आधा वेतन माँ को दे देता था। इस बात पर वो झगड़ा करती थी। 10 नवंबर 2020 की शाम 4 बजे सरस्वती देवी खाना तैयार करने नवोदय विद्यालय छात्रावास चली गई। अनिल व वीरेंद्र भी काम पर गए थे, घर में वर्षा ही थी। शाम 5 बजे वीरेंद्र घर आया। आते ही वर्षा ने वीरेंद्र से वेतन के संबंध में पूछा। वीरेंद्र ने बताया कि उसे वेतन मिल तो गया है, लेकिन उसे पैसा माँ को देना है, क्योंकि दिवाली का त्योहार नजदीक है और माँ को घर का सारा सामान लाना है। ये सुनते ही वर्षा गुस्से से बोली, शारीरिक सुख मेरे से उठाते हो और पैसा माँ के हाथ में दोगे? ये नहीं चलेगा। आज रात माँ के कमरे में ही जाकर सोना, समझे? वर्षा की बात सुनकर वीरेंद्र तिलमिला उठा और उसने गुस्से में वर्षा के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। वर्षा गम खाने वाली कहाँ थी, वो वीरेंद्र से भिड़ गई। दोनों में मारपीट होने लगी। इसी बीच वर्षा की निगाह सिरबट्टे पर पड़ी। उसने सिर का बट्टा उठाया और वीरेंद्र के सिर पर प्रहार कर दिया। बट्टे के प्रहार से वीरेंद्र का सिर फट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बावजूद वर्षा का हाथ नहीं रुका और उसने उसके सिर व चेहरे पर कई और वार किए, जिससे वीरेंद्र की मौत हो गई। कथित पति की हत्या करने के बाद वर्षा ने घर पर ताला लगाया और वो वहां से फरार हो गई।
इधर रात 8 बजे सरस्वती देवी खाना बनाकर घर आई तो घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। सरस्वती ने वर्षा के मोबाइल फोन पर कॉल की तो उसका मोबाइल फोन बंद था। फिर उसने अपने छोटे बेटे अनिल को फोन कर घर पर बुला लिया। अनिल ने भी वर्षा को कई बार कॉल की लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। सरस्वती और उसके बेटे अनिल ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वर्षा बदहवास हालत में घर के बाहर निकली थी। ताला लगाने के बाद वो बड़बड़ा रही थी कि सास और पति उसे प्रताड़ित करते हैं। वो रिपोर्ट लिखाने पुलिस चौकी जा रही है। पड़ोसियों की बात सुनकर सरस्वती का माथा ठनका। किसी अनिष्ट की आशंका से उसने राठ कोतवाली को सूचना दी। सूचना पाते ही कोतवाल के पांडे पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पांडे ने दरवाजे का ताला तुड़वाकर घर के अंदर प्रवेश किया। उनके साथ सरस्वती व अनिल भी थे। कमरे में पहुंचते ही सरस्वती व अनिल दहाड़ मारकर रो पड़े। कमरे के फर्श पर 22 वर्षीय वीरेंद्र का शव खून से लथपथ पड़ा था। सरस्वती ने पांडे को बताया कि ये उनके बड़े बेटे का शव है। चूंकि हत्या का मामला था इसलिए के पांडे ने सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी। कुछ ही देर में एसपी नरेंद्र कुमार सिंह, एएसपी संतोष कुमार सिंह तथा डीएसपी अखिलेश राजन घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। वीरेंद्र की हत्या सिल के बट्टे से सिर पर प्रहार करके की गई थी। उसकी उम्र 22-23 वर्ष के बीच थी। खून से सना आला कतल बट्टा शव के पास ही पड़ा था जिसे अधिकारियों ने सुरक्षित कर लिया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल हमीरपुर भिजवा दिया। उसके बाद मृतक की माँ व भाई से घटना के बारे में पूछताछ की। सरस्वती देवी ने बताया कि वर्षा उसके बेटे वीरेंद्र के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, उसी ने वीरेंद्र की हत्या की है। उसका मायका राठ कोतवाली के गांव सेजपुर में है। सरस्वती देवी की तहरीर पर थाना प्रभारी के पांडे ने धारा 302 के तहत वर्षा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसकी तलाश शुरू कर दी। रात 11 बजे थाना प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ सेजपुर गांव में चंदा देवी के घर पर छापा मारा। घर पर उसकी बेटी वर्षा मौजूद थी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसे थाना राठ कोतवाली लाया गया। थाने पर जब उससे वीरेंद्र की हत्या के संबंध में पूछा गया तो उसने सहज ही हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वीरेंद्र से रुपए मांगने पर उसका झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसने वीरेंद्र पर सिर के बट्टे से प्रहार किया जिससे उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस से बचने के लिए वो घर में ताला लगाकर मायके चली गई थी जहां से वो पकड़ी गई। 11 नवंबर 2020 को पुलिस ने अभियुक्त वर्षा को हमीरपुर की कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।